परासिया के जूनियर अनुसूचित जाति छात्रावास में छात्राओं को अधीक्षिका गीता ढेरिया द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। पुरुष के प्रवेश पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी ढेरिया अपने पुत्र पति को छात्रावास में रखती है। बच्चियों से कुत्ते का मल मूत्र भी साफ करवाती है और बीमार होने पर भी परिजन से बात नहीं करने देती है। परासिया विधानसभा क्षेत्र के न्यूटन में स्थित जूनियर अनुसूचित जाति छात्रावास की बच्चियों ने अपने दुख भरी दास्तान सुनाते हुए अधीक्षिका गीता ढेरिया पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद जयंत राय और अन्य भाजपा पार्षदों ने इसकी शिकायत SDM सहित कई अधिकारियों से की। इसके बाद आदिवासी विकास विभाग की दो महिला अधिकारी जांच करने न्यूटन छात्रावास पहुंची। जांच के दौरान बच्चियों ने बताया कि पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने के बावजूद ढेरिया अपने पुत्र पति को छात्रावास में रखती हैं। कुत्ते का मल मूत्र भी बच्चियों से साफ करवाती हैं। बीमार पड़ने पर बच्चियों को उनके परिजन से बात तक नहीं करने दी जाती। वहीं छात्रावास में टॉयलेट आदि की सफाई के लिए मेल स्वीपर को बुलाया जाता है, जो कि नियमों के खिलाफ है। और विगत दो दिन पहले कन्या छात्रावास की 10-12 बच्चियां मेरे पास आई थी, जो अधीक्षिका के विरुद्ध बहुत गंभीर अपने आरोप लेके आई थी कि अधीक्षिका उन्हें गंदी गंदी गालियां बकती हैं, उन्हें 15 दिनों से एक ही भोजन कराया जा रहा, भट्टे की सब्जी का, तीसरा यहाँ पे कुत्ते पाल रखी मैडम ने, और उनका मलमूत्र बच्चों से साफ कराया जा रहा है, और जहाँ वो भोजन करने बैठती है वहाँ मलमूत्र पड़ा है और वो साफ नहीं हो रहा है। ऐसे कई गंभीर आरोप लेके आई थी वो, जिसकी शिकायत कल मैंने SDM परासिया को भाजपा पार्षदों के साथ की, जिसने आज जांच दल आया और उन्हें इसमें जितनी भी हमारे बिंदु थे वो सारे उसमें घटनाएं सत्य पाई गई। मेरा आग्रह है कि इसमें प्रशासन कठिन से कठोर से कठोर कार्रवाई करे और तत्काल अधीक्षिका को निलंबित करे और दोबारा इन्हें किसी प्रकार को दूसरा छात्रावास न मिले। ये है जो हमारा राशन आता है खाने का, वो मैम जी हम बेच देती है, और पानी की बस कमी है यहाँ, बोर चालू करने देती नहीं है मैम जी, बोर चालू करते हैं तो मैम जी चिल्लाती है, और फिर कुत्ते जैसे लैट्रिन कर देते हैं तो मैम जी बोलती है लड़कियाँ लोगों ने की है, और कुत्ते लोगों लैट्रिन भी कर देती है तो हमेशा साफ करवाती है। तीन कुत्ते हैं, और जैसे हम टाइम से कभी हो जाते हैं तो पैड लोगों रख देते हैं तो कुत्ते लोगों छोड़ देती है, और पैड लोग चेतले चेतले कर देते हैं तो मैम जी हमसे साफ करवाती है। हमारे सामने बहुत गंदी गंदी गाली देती है, हमको भी देती है, माँ की गाली देती है, बहन की गाली देती है, और हमारे पेरेंट्स लोग को भी गाली देती है। दिनांक को छात्रावास अधीक्षिका की बच्चों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आज जांच हेतु हम लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें जाँच के दौरान पाया गया कि बच्चे हॉस्टल की जो साफ सफाई नहीं होती है, साथ ही कुत्तों के द्वारा जो आतंक मचाया जाता है, और अधीक्षिका की जो शिकायतें की गई है उसकी बिंदुवार जांच की गई है। सभी बच्चों के बयान नोट करवाए गए हैं, साथ ही AC ट्राइबल विभाग से भी गठित दल आया हुआ है, जिन्होंने विस्तृत अपना प्रतिवेदन लिखा है। जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी जाएगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे सामने तो खुल के अपनी बात कही है, उनका जो भी जो बयान है वो सारा विस्तृत रूप से लिखा गया है, और जो भी जाँच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। बच्चों ने कुछ शिकायत की थी अधीक्षिका के खिलाफ, खाना अच्छा नहीं मिलता है या यहाँ पे परिवार सहित रहती हैं, अन्य जो शिकायत बच्चों ने की, हमने एक एक बिंदु को अपनी जांच में शामिल किया है और सभी बिंदुओं पे जांच करते हुए हमने अपना प्रतिवेदन तैयार किया है। उच्च अधिकारियों को हम प्रेषित करेंगे और निश्चित रूप से उस प्रतिवेदन पे कार्रवाई हो गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।